माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में नीतीश कुमार बातें रख रहे थे अपनी बात को जाति गणना के बाद से महिलाओं को लेकर के बातें कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक ऐसी बात कह दी कि पूरा जो विधानमंडल दल था पूरा तरीके से कहे तो सदन जो है सन्नाटा छा गया सदन में। उसके बाद से जैसे ही सदन के बाहर जब प्रतिपक्ष की महिलाएँ निकली तो अपनी आवाज़ बुलंद करने यानी एक तरीके से कहे तो साफ साफ कह रही कि जिस तरीके से असंसदीय भाषा के प्रयोग किया गया कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नीतीश कुमार जल्द से जल्द इस्तीफा दे। इसको लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष ने भी साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से चरित्र उनका दिख रहा है उप मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री का कहीं से भी ठीक नहीं है, नीतीश कुमार जल्द से जल्द इस्तीफा दे और उनका जल्द से जल्द मेडिकल चेकअप किया जाए। सुनिए क्या कुछ करें नेता प्रतिपक्ष। आज बिहार के अंदर कल जो घटना घटित माननीय मुख्यमंत्री का सदन में जो वक्तव्य आया है महिलाओं को कहीं ना कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये माँ जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं ना कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है, इसलिए इनका मेडिकल जाँच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं जो सदन की और बिहार की गरिमा बढ़ाएं और बिहार की जनता हमारी माँ बहन का जो आक्रोश है प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है उस आक्रोश से सदन को ही अवगत नहीं कराना। इन दोनों को पद के योग्य नहीं मानते हुए पूरी तरह से इस्तीफा की मांग पर अड़े हुए हैं। ये बार बार इस तरह का वक्तव्य ये सदन में हुआ, हमने चुप रहा, फिर जाकर के विधान परिषद में यही बात को दोहराना दो घंटे के बाद ये क्या कहता है, जवाब तो देना पड़ेगा। और जब हम पद के योग्य नहीं है तो पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में पूरा बिहार और देश जानता है। सेक्स ज्ञान बिहार को नहीं चाहिए। सेक्स ज्ञान अगर जो दिल्ली के और इंग्लैंड के अंदर लेना है, लेकिन बिहार सांस्कृतिक भूमि रही है, बिहार हमारे महापुरुषों का ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। यहाँ के लोग आज भी एक मर्यादा का पालन करते हुए सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लेकिन ये बिहार को बार बार बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार ये दोनों व्यक्ति बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। हर बिहारी इन दोनों के नाम से शर्म महसूस करता है, इसलिए दोनों व्यक्ति को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार को मेडिकल चेकअप की मांग कर दी है, साथ ही कह रहे हैं कि जिस तरीके का भाषा बोल रहे हैं कहीं से भी उचित नहीं है, मेंटल रूप से वो एक तरीके से अस्वस्थ हो चुके हैं, जल्द से जल्द उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सदन में वो बैठने के लायक नहीं है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।